के ज्ञान गल मुकदी नहीं जे दिलों ना मुकाइए। ते फटे दिल फेर नहीं मिलते भावें पुटकुट जफियां पाइए। एक तरफ हुकूमत ने तहरीके इंसाफ के अरकान को डी सीट होने से बचाया और दूसरी तरफ नवाज शरीफ कप्तान के नश्तरों पर गिला किए बगैर ना रह सके। इसके लिए पंजाबी शायरी का सहारा भी ले लिया। PTI ने इस्तीफे दिए। PTI ने, मैं कुछ ना कहूँ तो बेहतर है, और जो कुछ उन्होंने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। मके ज्ञान गल मुकदी नहीं जे दिलों ना मुकाइए। ते कौड़े खूह कदी मिठे नहीं होंदे भावें सौ सौ मन गुड़ पाइए। ते फटे दिल फेर नहीं मिलते भावें कुट कुट जफियां पाइए। वजीर आजम ने MQM को भी मशवरा दिया कि वो पार्लियामेंट में वापस आए और अपना किरदार अदा करे। आपने देखा कि MQM ने इस्तीफे दिए, हमने उनको कहा कि नहीं, ये इस्तीफे देने वाला कोई अच्छा फैसला नहीं है। आप असेंबली में रहें, पार्लियामेंट में रहें, अपनी बात करें, लोगों को बताएं और फिर यहाँ बैठे हमारे साथ। हुकूमती कोशिशों से तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सियासत का हिस्सा तो बन गई है। अब देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो अपना रवैया बरकरार रखेगी या वजीर आजम के शिकवों का अजाला करेगी।